आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में थोड़ा सा पानी उबाल लिया है। पानी में उबाला गया, अब मैं इसमें डालूँगी सोयाबीन, एक टेबलस्पून तेल और थोड़ा सा नमक। इसको मैं बस 3 मिनट के लिए उबाल लूँगी। देखिए अच्छे से उबल गया। अब इसको निचोड़ के इसका पानी निकाल लेते हैं हम ऐसे। इस सब्ज़ी के लिए मैंने एक प्याज काट लिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता, 1/2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 ग्रीन चिली ऐसे से काट लिया है, एक टमाटर पीस लिया बड़ा सा, 2 टेबल स्पून दही, ज़ीरा पाउडर, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, थोड़ा जीरा, दालचीनी, तेज़पत्ता, काली मिर्च और 2 लौंग या 1 इलायची। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लिया है और तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सोयाबीन को थोड़ी देर के लिए शैलो फ्राई कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट। 2 मिनट तक हम इसको तेज़ आंच पे ऐसे फ्राई करेंगे। ये थोड़ा सा गोल्डन कलर होने लगा है, अब हम इसको निकाल लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा और तेल डाल के गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका, हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। अब डालेंगे हरी मिर्च और प्याज, इसको अच्छे से चला लेंगे। प्याज लाल हो चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे टमाटर और साथ ही सारे सूखे मसाले। देखिए साइड से तेल छूटने लगा, अब इसमें हम डाल देंगे दही। ये देखिए हमारी ग्रेवी तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे सोयाबीन और इसको ढक के 10 मिनट तक पका लेंगे धीमी आंच पर। सब्ज़ी तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और मिला लेंगे अच्छे से। ये देखिए हमारी सब्ज़ी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।